ऑल न्यू हॉट एंड टैकी ब्रेजा अब कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग ऑफ लैम्प के द्वारा जो न्यू ब्रेजा है उसकी लॉन्चिंग होगी। हम सभी का इंतजार था कि मारुति सुजुकी का ब्रेजा कब लॉन्च होगा, तो अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। ऑल न्यू हॉट एंड टैकी ब्रेजा आज में लॉन्च होने जा रहा है, तो आप अपनी बुकिंग करना शुरू कर दें। हम आपको सब कुछ बताएंगे, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर रोहित सिंह, जो कि BSF के असिस्टेंट कमांडेंट है, वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने लाइटनिंग ऑफ प्लान के द्वारा अब इस कार का लॉन्चिंग करेंगे। इस शोरूम के बाकी मेंबर्स के द्वारा भी लाइटिंग ऑफ प्लान का कार्यक्रम किया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे न्यू लॉन्च होने वाला है ब्रेजा की, मारुति सुजुकी ऑल न्यू हॉट एंड टैकी ब्रेजा। और अब बस कुछ ही देर में ये जो ब्लू कलर का जो कपड़ा है अब हटेगा और आपके सामने ब्रेजा लॉन्च हो जाएगा। रोहित सिंह BSF के असिस्टेंट कमांडेंट के द्वारा रिबन कट कर इस न्यू कार की लॉन्चिंग हो चुकी है, तो दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने हाजिर है 1 2 3 ऑल एंड न्यू टैकी ब्रेजा। Oh my God! Look at the color of this car. It looks so amazing and sizzling. ये जो red color. Oh my God! Look at the color of this car. It looks so amazing and sizzling. Seriously, यार बहुत ही ज़्यादा cool है। और new generations के हिसाब से इस जो car को launch किया गया है Brezza, सभी को इंतजार था इस कार की, लेकिन आज में आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में सिचुएटेड ये मारुति सुजुकी के शोरूम में ब्रेजा कार लॉन्च हो चुका है। इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कुछ बदला गया है, अपग्रेड किया हुआ है, ये सारी फीचर्स के साथ क्वेश्चंस के साथ यहाँ के जो मैनेजर है, इस शोरूम के मैनेजर के साथ हम जुड़ेंगे। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, क्योंकि सभी को इंतजार था इस ब्रेजा की, और आज में सिलीगुड़ी में भी इस ब्रेजा की शुरुआत हो चुकी है, लॉन्चिंग हो चुकी है। और रिबन कट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद थे रोहित सिंह, जो कि BSF के असिस्टेंट कमांडेंट हैं। ओह माय गॉड, लुक एट द कलर ऑफ दिस कार, इट्स लुक सो सिजलिंग एंड अमेजिंग। ये आज के न्यू जनरेशन के हिसाब से इसको बनाया गया है, बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं। और क्या क्या कुछ खास है, क्या फीचर्स है, क्या क्या इंजन ऑप्शंस है, वो सब हम जानेंगे। इसमें 6 गियर्स है, 6 एयर बैग्स आपको इसमें मिलेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सनरूफ भी ऑफर किए गए हैं। और ये फर्स्ट टाइम इस कार में इलेक्ट्रिकल सनरूफ दिया गया है, और इसमें 6 एयर बैग्स है। एक्सटीरियर डिज़ाइन हमने आपको दिखाया, अब हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, इसके फीचर्स बताएंगे। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल सनरूफ दिया गया है, और साथ ही साथ 6 एयर बैग्स है। पहले वाले में उतना नहीं था, लेकिन इस बार के अपग्रेड में यही आपको मिलेगा। बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस कार को लेके कि कब बुकिंग कर सकते हैं, प्राइस कितनी है, वेरिएंट्स में क्या, आपको अगर क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप हमारे लाइव सेशन के थ्रू भी पूछकर जान सकते हैं। वीडियो में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा कैमरा के हिसाब से, लेकिन अगर आप रियल में आके देखते हैं तो इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड टैकी है, बहुत ही ज़्यादा सिजलिंग है ये। ऑल न्यू हॉट एंड टैकी ब्रेजा, एड्रेस में आपको बता दूँ कि ये सेवक रोड 2nd माइल में सिचुएटेड है, मारुति सुजुकी अरेना ब्रेजा। तो अभी फिलहाल जो कि एक केक है वो कट होगा, उसके बाद हम आपको ये सारी फीचर्स बताएंगे। आप बस देखते रहिए हमारे इस लाइव सेशन को, जाए ना, ताकि आपको पता भी कैसे चलेगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है, फीचर्स क्या है। तो अभी फिलहाल केक कट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने, इतनी मतलब कार लॉन्च हुआ है, तो ऑफकोर्स केक काटना तो बनता ही है। अभी जो चीफ गेस्ट थे उनके हाथों केक कट किया जा रहा है। हम लाइव सेशन के थ्रू जितनी भी लोगों का सवाल है कि प्राइस क्या है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपका ये सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। बस आप अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते रहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेल्स मैनेजर, उन्हीं से बातचीत करेंगे और इस कार की सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे।
हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके शोरूम में न्यू कार लॉन्च हो चुका है, तो क्या कहना है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स भी बहुत अच्छा है हम लोगों का, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे ब्रिजा का विद सनरूफ न्यू लुक्स। तो अच्छा, फीचर्स वगैरह सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे दर्शकों को आप राइट। तो हम लोग का आज ब्रिजा लॉन्चिंग हुआ, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हम लोग दिए, जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ है, 9-inch स्मार्ट प्ले स्टूडियो है जो पहले था उससे काफ़ी बड़ा किए, और 360 डिग्री कैमरा है, पूरा व्यू पूरा गाड़ी का जितना है पूरा देख सकते हो आराम से, विद 6 एयरबैग्स। नया फीचर्स एक ऐड हुआ HUD, वो फीचर्स भी हम लोग का ऐड हुआ। माइलेज हम लोग का 19.89 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी का माइलेज। तो ये सब फीचर्स अपग्रेड हुआ ब्रिजा में विद न्यू लुक्स। अब थोड़ा गाड़ी का एक बार भीतर में भी आइए। लाइव सेशन के थ्रू बहुत लोगों का सवाल है प्राइस को लेके, तो एक बार हमारे प्राइस बता दें। प्राइस के लिए भी बोल दे रहा हूँ, ये आपका 8 लाख ऑनवर्ड्स हो रहा है प्राइस। 8 लाख ऑनवर्ड्स। ये जो हम लोग का अभी डिस्प्ले किया हुआ है, ये ब्रिजा का टॉप वेरिएंट है, ब्रिजा ZXi प्लस ड्यूएल कलर। ब्रिजा का जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है वो 8 लाख ऑनवर्ड से हम लोग का स्टार्टिंग हो रहा है। और ये गाड़ी का जो आपका ZXi प्लस ड्यूएल कलर, इसका एक शोरूम प्राइस आ रहा है हम लोग का 1269। और गाड़ी का स्पेसिफिकेशन के अगर हम लोग बात करें तो 1.5 लीटर इंजन पावर है, 75.8 किलोवाट एट द रेट 6000 RPM। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है 198। फ्यूल टैंक, गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपका 48 लीटर्स। और गाड़ी का जो एक टर्निंग रेडियस होता है वो टर्निंग रेडियस भी आपका 5.2 है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बताएं। इंजन के लिए 1.5 लीटर्स इंजन है आपका। वेरिएंट्स LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। ZXi प्लस में भी ड्यूअल कलर हो गया, जैसे ये ड्यूअल कलर हो गया रेड एंड ब्लैक। अगर कोई बुकिंग करना चाहे तो कैसे बुकिंग कर सकते हैं कस्टमर? यहाँ पे अगर बुकिंग करेंगे, बुकिंग के बाद एज पर मारुति का मतलब वेटिंग लिस्ट के हिसाब से हम लोग कस्टमर को देंगे। अच्छा। बुकिंग के लिए कस्टमर्स को हम लोग वेलकम कर रहे हैं। तो बुकिंग अब शुरू हो चुकी है? हाँ, बुकिंग ऑलरेडी स्टार्टिंग हो गया हम लोग का। अच्छा, तो वेबसाइट वगैरह? हाँ, एकदम। और गाड़ी में एक बार आप देख सकते हैं, गाड़ी का साउंड सिस्टम भी काफी पहले से जो है 9-inch स्मार्ट प्ले स्टूडियो है। ये गाड़ी का साउंड सिस्टम जो है ये भी आपका पहले से बड़ा है। सेकेंड थिंग आपका कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हॉट एंड टैकी है। इट्स लुक सो सिजलिंग एंड अमेजिंग। आप अपनी बुकिंग शुरू कर दीजिए, जैसे कि मैनेजर ने कहा कि आप अपनी बुकिंग शुरू कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ की जो वेबसाइट है उस पर जाके शुरू कर सकते हैं। इस बार बहुत कुछ चेंजेस है, वो सब सारी चेंजेस समझाने की कोशिश। मैम, टॉप मॉडल में आपका विथ आपका ट्विटर भी आ जाएगा साउंड सिस्टम के साथ, जो आपका ये ट्विटर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। HUD आपका यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सेकंड थिंग आपका स्मार्ट प्ले स्टूडियो जो 9-inch का स्टूडियो है, इसमें काफ़ी फीचर्स दिया हुआ है। फीचर्स में वाईफाई दिया हुआ है, इमेज आप देख सकते, इमेज दे रहा है आपका, इसमें आप टाइम, डेट ऑफ डिलीवरी और आपका फोन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका वाईफाई कनेक्टिविटी, ऑटो कनेक्टिविटी, एंड इसमें आपका पहले से थोड़ा अलग से किया हुआ डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले के अंदर आप टाइम ऑन डेट, FM ऑक्स और आपका एनर्जी कितना, गाड़ी में कितना फ्यूल इफिशेंसी क्या क्या है वो भी आप देख सकते हैं। आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है। और इसमें सेटिंग के जाने के बाद आप डिस्प्ले, टाइम ऑफ डेट, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, वेलकम मैसेज भी है। वेलकम मैसेज में आप ये ऑन करके रखने से वेलकम मैसेज आप देख सकते हैं। ये आ गया आपका रियर व्यू, फ्रंट व्यू, ओपन डोर, आपका डोर ओपन होने से इस पर इंडिकेट करेगा। पार्किंग ब्रेक आपका ऑन है कि नहीं ये भी दिखेगा। जैसे काफ़ी फीचर्स दिया हुआ है, ये आपका HUD फीचर्स हो गया जो हम लोग बोल रहे थे, नया ब्रिजा में आपका ये फीचर्स आपका ऐड किया मारुति ने। पहले वाले से इस बार में क्या क्या चेंजेस किए? काफी चेंजेस किए मैम। जैसे पहले आपका जो प्रोजेक्टर लैम्प था, अभी ड्यूएल LED प्रोजेक्टर लैम्प कर दिए। अभी 9-inch स्मार्ट प्ले स्टूडियो की, ये स्टूडियो जो है आपका साउंड सिस्टम जो है पहले से काफी बड़ा किया हुआ है।
और काफी फीचर्स दिया हुआ है जो हम लोग अभी बोले। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक सनरूफ है मैम, दिस वन आप एक बार देख लीजिए। पहले ब्रिजा में आपका सनरूफ नहीं था, अभी ब्रिजा में आपका सनरूफ कर दिए, इलेक्ट्रिक सनरूफ। अभी और कर दिया आपका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। पहले आपका स्टीयरिंग व्हील जो था टिल्ट स्टीयरिंग था, अभी कर दिया आपका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। ये दिस वन हाँ, पहले था आपका अप डाउन मतलब ऊपर या नीचे, अभी कर दिया आपका टेलीस्कोपिक मतलब ये हो गया आपका टेलीस्कोपिक। फिर आपका वायरलेस चार्जर, फोन आप यहाँ पे देंगे तो आपका मोबाइल आपका ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिकेट भी करेगा, ग्रीन सिग्नल मींस आपका चार्ज हो रहा है, येलो सिग्नल मींस आपका आधा चार्ज हो चुका है। काफी फीचर्स दिया हुआ है मैम पहले से, और इसका भी माइलेज भी आपका 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल का। आप लोग अगर बूट स्पेस देखना चाहते हो, कार का बूट स्पेस है इसमें, इसमें आपको इस तरफ आपको ये अपना जो स्पेयर व्हील्स रहते हैं, स्पेयर व्हील्स रहेगा इसमें यहाँ पे, और पहले से काफी बड़ा बूट स्पेस है इसमें, और इसमें आपको जैसे पहले का फिनिशिंग वो नहीं, जैसे ये इसे डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेजा का लोगो जो आता है, ब्रेजा का लोगो एंड इसमें DRL जो दिया है, LED DRL दिया हुआ है बैक लैंप, ठीक है, और इसमें रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, ठीक है, और यहाँ पे भी कैमरा सिस्टम किया हुआ है इस साइड में, ये भी कैमरा है। ओवरऑल आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा पार्किंग के टाइम में भी, और रियर फ्रंट एंड आप साइड वे से भी गाड़ी को फॉलो कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी पार्किंग इस जगह कहाँ पे है। डायमंड कट अलॉय व्हील हम लोगों का पहले ही था, यहाँ पे अलॉय व्हील थोड़ा चेंजेस अभी आ गया है स्टाइलिंग और लुक के वजह से, ये थोड़ा फीचर्स दिया हुआ है। पहले जैसे हम लोगों का स्क्रैच गार्ड बोलते थे, स्क्रैच गार्ड पहले छोटा आता था, हम लोगों का स्क्रैच गार्ड छोटा आता था, अभी थोड़ा बोल्ड कर दिया है कि हल्का फुल्का जो स्क्रैच होता है सिटी के हिसाब से वो स्क्रैचेस इसमें नहीं लगेगा, गाड़ी का बॉडी के लिए बहुत कुछ सेव कर लेगा। लाइट की मैं बात करूं तो ये जो है ये अभी नया न्यूली मतलब फीचर्स है आपका जो गाड़ी में पहले नहीं था ब्रिजा में, अभी ये नया दिया हुआ है। आप लुक्स में भी देखिए थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, सामने के फ्रंट में भी अगर आएंगे तो फ्रंट में भी देखिए फ्रंट में भी काफी चेंजेस किया हुआ है। ये हम लोग का नया न्यू ब्रिजा जो लॉन्च किया हम लोग आज, वी एक्सपेक्ट ऑलरेडी हम लोग जो एक्सटीरियर डिजाइन की मैं बात करूँ फ्रांस की तो बहुत ज्यादा डैशिंग दिख रहा है। 1.5 लीटर इंजन है। सेकेंड थिंग आपका ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट हो गया हम लोगों का, काफी रेस्पॉन्स आ रहा है, गुड रेस्पॉन्स, वी आर ऑलरेडी गेटिंग ह्यूज गुड रेस्पॉन्स कस्टमर का, बुकिंग भी आ रहा है हम लोगों का। अब देखते हैं मतलब जितना जल्दी हम लोग कस्टमर को डिलीवरी दे सके। ओके, आप अपना शोरूम का एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दें और साथ ही साथ फोन नंबर भी बता दें। राइट, ये हम लोग का शोरूम है मारुति सुजुकी एरिना शेवक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2nd mile शेवक रोड नियर विशाल सिनेमा हॉल, और हम लोग हर कस्टमर्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं, आप लोग एक बार शोरूम में आइए, गाड़ी को देखिए, गाड़ी हम लोग का डिस्प्ले किया हुआ है, हम लोग प्राइस वगैरह डिटेल्स फीचर्स वगैरह सब हम लोग कस्टमर को ब्रीफ करेंगे। हम लोग आपका माध्यम से कस्टमर को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आज हम लोग ब्रिजा लॉन्च किए विथ काफ़ी फीचर्स गाड़ी में ऐड किए हम लोग मारुति ने, तो एक बार आप लोग आइए, आके गाड़ी का फीचर्स वगैरह सब कुछ आप लोग एक बार देखिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू। आपको प्राइस एक बार बता दूं कि एक्स शोरूम प्राइस है 12,69,000, स्टार्टिंग रेंज है 8 lakhs ऑनवर्ड्स। तो आप अपनी बुकिंग शुरू कर दें, बुकिंग शुरू हो चुकी है, कलर देख सकते हैं, इंजन ऑप्शंस हमने आपको बताया, वेरिएंट्स कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बताया, इसके एक्सटीरियर फीचर्स साथ ही साथ इसके एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर फीचर्स के बारे में हमने आपको बताया। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हुए हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग। आज मिस्टर रोहित सिंह असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर BSF सर आज हम लोगों का फर्स्ट कस्टमर है न्यू ब्रिजा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और सर से भी हम लोग फीडबैक लेंगे, सर का कुछ वैल्यूएबल फीडबैक सर। ये एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट कार, और मैंने जो है
I've always in my, you know, since last 10 years, I always wanted to purchase a Maruti only. Because since Maruti is, this company belongs to India only, and we Indians have a lot of trust in this company. And since I belongs to a village from UP, so the service center of Maruti is available there. And since a lot of trust is already there, so I always decided to purchase a Maruti car. Okay. And this is my first car, and actually when I saw this on the advertisements on the TV, so the look was very, you know, very good, and I was so excited that I waited for it for last 1 year. I am waiting for this car. Last year, 1 year. Sir, आपने तो ले लिया कार, हमारे दर्शकों को लाइव सेशन के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे अगर कार के बारे में? सर, कुछ वैल्यूएबल फीडबैक्स? मैं तो यही बोलूंगा कि मारुति जो है वो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी इंडिया की कार है और मारुति ही लेना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गुड न्यूज दे रहा हूँ। टिल नाउ हम लोगों का शेवक मोटर्स अभी तक ब्रिजा का बुकिंग 58 बुकिंग्स ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके फॉर न्यू ब्रिजा। अब देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना 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 ना, कोई भी कस्टमर बुक कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ब्रिजा में इंटरेस्टेड है तो हम लोग कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर या मैम आप लोग एक बार शोरूम में आइए, नया गाड़ी देखिए, गाड़ी का फीचर्स वगैरह, नया नया फीचर्स जो है उस फीचर्स एक बार देखिए, फिर उसके बाद अगर कस्टमर डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग बुकिंग ले रहे हैं। थैंक यू। तो देखा आपने, ऑल न्यू हॉट एंड टैगी मारुति ब्रेजा लॉन्च हो चुका है। तो आप भी क्यों देर कर रहे हैं, आप भी अपनी बुकिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि 58 प्लस बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो आप भी अपनी बुकिंग शुरू कर दें। एड्रेस मैं आपको बता दूं कि ये सेवक रोड में सिचुएटेड है, सेकंड माइल में मारुति सुजुकी का ये शोरूम सिचुएटेड है और ये कार लॉन्च हो चुका है। तो आप भी देर ना करें, आप अपनी बुकिंग शुरू कर दें। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल सनरूफ दिया जा रहा है। प्राइस की मैं बात करूं तो इसका जो स्टार्टिंग फ्रॉम है 8 लाख ऑनवर्ड्स, और साथ ही साथ इसका एक्स शोरूम प्राइस है 12,69,000। तो आप अपनी बुकिंग आज से शुरू कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इस कार को मिस करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देख, नमस्कार।